आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल असाइनमेंट के एक्सरसाइज 19 को सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज जो है इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज से काफी ज्यादा क्वेश्चंस है, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन जो होता है ये प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है, कम प्रतिरोध को पोस्ट ऑफिस बॉक्स से मापे जाने पर यह सावधानी बरतनी चाहिए कि प्लग डालने के पूर्व विद्युत संबंधन सही है यानी कनेक्शन सही है। प्लग और केबल के संबंध में कौन से दो मुख्य सावधानी रखाव का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें है कि प्लग जो है हम लोग का वो अच्छा तरह से साफ हो, और दूसरा चीज क्या है कि तार जो हम लोग यूज करेंगे, केबल जो यूज करेंगे वो कम से कम लंबा हो। अगला जो क्वेश्चन है, एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स के प्रयोग से जब प्रतिरोध मापा जाता है, प्रथम बैटरी कुंजी को दबाया जाता है। बैटरी कुंजी का मतलब हुआ बैटरी से लगा हुआ स्विच। तत्पश्चात गैल्विनोमीटर कुंजी को दबाया जाता है, इसका क्या कारण है। कुंजी का यहाँ मतलब है स्विच। तो ऐसा करने के पीछे मेन उद्देश्य यह है कि गैल्विनोमीटर जो होता है उसमें हम लोग यह देखते हैं कि करंट जो है अचानक ज्यादा ना चल जाए, जिससे कि गैल्विनोमीटर खराब हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि गैल्विनोमीटर को सही करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनेमोमीटर प्रकार के उपकरण को वोल्ट या एमीटर जैसे प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर के जैसा भी यूज कर सकते हैं और एमीटर के जैसा भी यूज कर सकते हैं, अर्थात वोल्टेज भी माप सकते हैं और करंट भी माप सकते हैं। तब पैमाना असमान होता है, पर जब वाट मीटर जैसा प्रयोग करते हैं तब पैमाना जो होता है उसका स्केल जो होता है समान होता है। वाट मीटर जैसा प्रयोग करने पर समान पैमाना किस कारण से प्राप्त होता है। तो इसका कारण है कि जो हम लोग डिफ्लेक्शन टॉर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट का फिक्स कॉइल में, और दूसरा क्या होता है कि डिफ्लेक्शन टॉर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मूविंग कॉइल में। अब यहां पर जो क्वेश्चन है, ये एक फिगर आपको जैसा कि यहां पर ये दिखाया गया है, जब सेतु में गैल्विनोमापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो तो सेतु परिपथ को कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया हुआ है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ये गैल्विनोमीटर हो गया, इसके साथ ये स्विच हो गया, और आप पहले भी क्वेश्चन में पढ़े थे एक और स्विच सप्लाई के साथ ये स्विच लगा हुआ है। तो इसमें यहां पर करंट ग्लेविनोमीटर जो गैल्विनोमीटर जो होता है यहां पर कह रहा है कि करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, तो गैल्विनोमीटर फ्लो न होने का कारण है कि ये सर्किट जो है हम लोग का संतुलित है, अर्थात ये सर्किट जो है वो संतुलित प्रकार का है। तो आंसर होगा हम लोग का बी, संतुलित प्रकार का ये सर्किट है। अगला क्वेश्चन है, गैल्विनोमापी क्या पाठ्यांक देगा जब पी इक्वल 10 ओम, क्यू इक्वल 100 ओम, एस इक्वल 5 ओम तथा आर एक्स जो है वो 50 ओम के साथ व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है। तो संतुलित में गैल्विनोमीटर कैसे कोई करंट फ्लो नहीं होता है, अर्थात जीरो होगा, अर्थात ऑप्शन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से व्हीटस्टोन सेतु में अज्ञात प्रतिरोध आर एक्स ज्ञात कीजिए। पी इक्वल 10, क्यू इक्वल 100, एस इक्वल 60। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है पी बाई क्यू इजकल टू आर बाई एस। तो ये फॉर्मूला है पी बाई क्यू इजकल टू आर बाई एस। एस अज्ञात प्रतिरोध का मान है, तो यहां पर उसके वैल्यू को रख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो आर्म्स होते हैं इसका जो अनुपात होता है, रेशियो जो होता है वो 1:1 का रेशियो होता है,
110, 100, 1000 इसी प्रकार इसका रेशियो रहता है। तो यहां हो जाएगा हम लोग का 10/100 इजकल टू 60/x, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर हम लोग का 600 ओम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, संतुलित अवस्था में पी क्यू बॉक्स पोस्ट ऑफिस बॉक्स के उपयोग से प्रतिरोध को मापते समय निम्नलिखित आंकड़ा लिया गया। पी का मान है 1000 ओम, क्यू का मान है 100 और एस का मान है 546, बहुत कम है तथा 547 बहुत अधिक है। अज्ञात प्रतिरोध आर के बीच है, किसके बीच उसका मान है, तो उसी फॉर्मूला के अनुसार हम लोग रखेंगे और देखेंगे तो आंसर कट कर आएगा 54.6 ओम से 54.7 ओम अर्थात ऑप्शन सी। चित्र में दर्शाए गए पोस्ट ऑफिस बॉक्स में परिवर्तनीय भुजा कौन सी है, जैसे कि यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं फिगर। अब नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, तो भुजा जो S होता है P बाई क्यू इजकल टू R बाई S, तो S भुजा जो है वो अपरिवर्तित वैल्यू, जिस अपरिवर्तित वैल्यू का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग इस पर मान को रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में यदि भुजा S से कोई एक प्लग को हटा दिया जाए तो भुजा S का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका मान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में अनंत प्लग को हटाने से भुजा S प्रतिरोध डैश होगा तो खुला परिपथ हो जाता है, आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, संतुलित स्थिति में चित्र में दर्शाए गए मीटर सेतु के उपयोग से प्रतिरोध को मापते समय निम्नलिखित डाटा लिया गया। I इजकल टू 25 सेंटीमीटर, I2 इजकल टू 75 सेंटीमीटर तथा ज्ञात प्रतिरोध 60 ओम, अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या होगा, 180 ओम ऑप्शन सी। ये जो है अभी हम लोग का क्वेश्चन का ये फिगर है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित स्थिति पर मीटर सेतु से मीटर के पैमाने की जीरो स्थिति में जैक 50 सेंटीमीटर पर रुकता है तथा जुड़ा हुआ मानक प्रतिरोध 55 ओम का है, फिर अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो फॉर्मूला हम लोग का वही रहेगा और इसके तहत आएगा हम लोग का जब सॉल्व करेंगे तो 45 ओम। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में परिपथ में यदि एक किसी मान के प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो उस विशेष प्लग को डैश जाता है, तो वो बी ऑप्शन होगा, निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु परिपथ में उच्च सुग्राहिता गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करने का उद्देश्य डैश होता है, तो मापक त्रुटि कम करने के लिए, यानी जो कमी है मापते समय जो हम लोग का रीडिंग आता है उसमें कम से कम कमी हो, इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड वायर सेतु या मीटर सेतु के सिद्धांत होते हैं, व्हीट स्टोन सेतु नियम के अनुसार होता है, ऑप्शन बी। आज हम लोग का एक्सरसाइज 19 कंप्लीट हो चुका, आशा है वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने ITI करने वाले दोस्तों तक इसे शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 20 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।